हेलो गाइस, वेलकम टू टेकीज कोड। और आज की वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। सो लिंक्ड लिस्ट में हम कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करते हैं, कैसे लिंक्ड लिस्ट वर्क करता है, उस सबको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज हमें इंसर्ट करना है सबसे पहले 15 को लिंक्ड लिस्ट के अंदर, तो हम सिंपली एक नोड बनाएंगे। जैसा मैंने बताया था, एक नोड होगी और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि इनिशियली नल होगा। नल मीन्स ग्राउंडेड, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसके एड्रेस को मैं सपोज बोलता हूँ 15x, राइट। इसका एड्रेस मैंने 15x माना। और हमारे पास एक हेड वेरिएबल भी होगा जो कि ये बताएगा कि लिंक्ड लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर है, और उस हेड के अंदर क्या होगा, इस पहली नोड का एड्रेस। तो इसके अंदर हमारे पास 15x होने वाला है। ठीक है, इतना आई होप क्लियर होगा। इस तरीके से लिंक्ड लिस्ट हमारी बढ़ने वाली है आगे को। इनिशियली ये हाल होगा कि एक नोड अगर है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, तो इस तरीके से हेड के अंदर 15x उसका एड्रेस होगा, हेड का, पहली नोड का। और पहली नोड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, अब ये C++ में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सब हम बाद में देखेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में। अभी हम सिर्फ लॉजिक को समझ रहे हैं कि भाई लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो सब हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो हमें एक और नोड यहाँ पे इंसर्ट करनी हुई। ठीक है, सपोज हमें 20 इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और नई नोड बनाएंगे 20 की। यहाँ पर डेटा होगा 20 और उसके नेक्स्ट में नली रखें, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है 20 15 के बाद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 के नेक्स्ट में जो नल था उसको नल को पॉइंट ना करा के इसको पॉइंट कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट के अंदर एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा अगली वाली नोड का। तो इसका एड्रेस सपोज 20x है, तो यहाँ पर हमें 20x स्टोर करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो तभी तो ये दोनों कनेक्टेड हो पाएंगे, राइट। तभी तो ये लिंक बनेगा। ये लिंक कैसे बन रहा है, ये तो हम फिजिकल एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। असली में क्या होने वाला है, यहाँ पे एड्रेस स्टोर होने वाला है इस वाली नोड का 20x। ठीक है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है एरो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये दोनों नोड आपस में कनेक्ट हो रही है। अब सपोज एक और नोड आती है, उसको अभी हमें इंसर्ट करना है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, उसकी वैल्यू सपोज 30 है। तो हम वही करेंगे, पहले तो 30 की एक नोड बनाएंगे नई, और जब नई नोड बनेगी तो डेटा होगा और उसका जो नेक्स्ट होगा उसको हम नल को पॉइंट कर, जब भी नई नोड बनाएंगे। अब लेकिन इसको इस लिंक लिस्ट के अंदर हमें इंसर्ट करना है, तो जो भी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड होगी, इस केस में लास्ट नोड है 20 वाली, तो इसके नेक्स्ट के अंदर हम इसके एड्रेस को स्टोर कर देंगे। तो अब ये नल पे था, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके एड्रेस को स्टोर करेंगे। और इसका एड्रेस सपोज 30x है, तो यहाँ पर हम 30x को स्टोर करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉइंटर था वो अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा और इन दोनों में लिंक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिंक लिस्ट हो रही है, आपस में लिंक हो रही है। तो ये तो हमने देखा कि कैसे इंसर्ट करते हैं एंड पर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंसर्ट एट एंड। हमने एंड में हम इंसर्ट करें, इस तरीके से हम स्टार्टिंग में भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी इंसर्ट एंड एंड समझते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड जो चीज़ हमें समझनी है वो है हम आइट्रेशन कैसे करेंगे, राइट। मतलब अगर हमें लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना हो, आइट्रेट करना हो, तो वो कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ हेड अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि हेड हम एक पॉइंटर मेन में बना के रखेंगे, उसके अंदर पहली नोड का एड्रेस रखेंगे। अब बाकी ये जो भी चीज़ें मेमोरी में होगी, मेमोरी में एक एड्रेस होगा उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, दूसरा एड्रेस होगा उसमें वैल्यू स्टोर होगी, दूसरा एड्रेस होगा उसमें वैल्यू स्टोर होगी, और जो ये वाला नोड होगा उस अगले वाले का एड्रेस भी स्टोर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होने वाला है। तो हमारे पास क्या एक्सेस है, हमारे पास सिर्फ हेड का एक्सेस है। और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हेड से ये वैल्यू चली गई ना एक बार, मान लो आप गलती से या किसी भी तरीके से 15x लूज हो गया आपके पास से, तो आपकी ये पूरी लिस्ट बर्बाद हो गई, ये मेमोरी बर्बाद हो गई, ये मेमोरी लीकेज हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है लिंक्ड लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस मेमोरी लोकेशन पर है। तो अब आप कैसे इसको, इस पर कोई ऑपरेशन आप अब कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यूज को हमें प्रिजर्व करके रखना। स्टार्टिंग नोड का जो एड्रेस है जो हेड के अंदर स्टोर कर रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइट्रेशन कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इनिशियली हेड होगा 15x, राइट। तो हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे, तो मैं यहाँ पर एक कॉपी बना लेता हूँ। पॉइंटर नोड को पॉइंट कर रहा है तो नोड स्टार का ही होगा, नोड स्टार टेम्प करके मैंने एक पॉइंटर बना लिया और उसके अंदर हम हेड को स्टोर कर लेंगे 15 को हमने यहाँ इस कॉपी के अंदर। तो टेम्प जो है वो एक अलग वेरिएबल बन गया, उसके अंदर कॉपी कर ली हमने हेड की, क्योंकि हम हेड को नहीं छेड़ना चाहते, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने 15x की कॉपी बना ली। अब इसकी कॉपी बना ली, तो अब हम आइट्रेट कैसे करेंगे, हम आइट्रेट करेंगे इसके अंदर, और हमें क्या करना है, हम 15x है तो हम इसका डेटा प्रिंट कर देंगे, तो टेम्प पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना होगा। अब उसको प्रिंट करना कैसे करेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हमारे पास जब कोई इंटीजर की बकेट को पॉइंट कर रहा होता था तो हम स्टार टेम्प लिख देते सिंपली,
और हमारी जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर की बकेट नहीं है, ये समझना है ये नोड की बकेट है। टेम्प जो है, और आगे वीडियोज में मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को, कि टेम्प के अंदर क्या चीज स्टोर है, नोड का एड्रेस। और नोड क्या है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम एक क्लास बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट नोड होगा, ठीक है। तो टेम्प के अंदर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो जब भी हमें टेम्प से डेटा को एक्सेस करना है तो हम स्टार टेम्प नहीं लिख सकते, राइट। हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरो का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट के लिए डॉट का यूज करते हैं उसकी डेटा मेंबर को, अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे और उसके अंदर की वैल्यू को स्टोर करना ऑब्जेक्ट डॉट डेटा करते हैं। लेकिन अगर हम इसको पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं तो क्या करते हैं, टेम्प एरो, राइट, इस तरीके से लिखते हैं ना। हाँ, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे टेम्प का डेटा, राइट, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे स्पेस के साथ। लेकिन ये तो सिर्फ हमें 15 का डेटा, क्योंकि इनिशियली टाइम इसको पॉइंट कर रहा है, तो हम सिर्फ 15 प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं अगली नोड का भी प्रिंट हो, तो अगली नोड का प्रिंट करने के लिए करना पड़ेगा, टैम्प को आगे मूव करना पड़ेगा। अब टैम्प प्लस प्लस तो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगली लोकेशन पे नहीं है 20। अगर 20 अगली लोकेशन पे होता तो एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो जाती, हम टैम्प प्लस प्लस करके आगे पहुंच जाते, फिर तो एरे और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं था, फिर तो हम फालतू में नेक्स्ट को स्टोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कहीं और लोकेशन पे होगी, तो उसका एड्रेस कहां पर है, इसके नेक्स्ट में। तो टेम्प अब किसको पॉइंट करेगा, नाउ टेम्प शुड पॉइंट टू टेम्प का नेक्स्ट। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो टेम्प का नेक्स्ट का क्या मतलब है, टेम्प क्या है, टेम्प सपोज इसको पॉइंट कर रहा है इनिशियली, ठीक है, तो टेम्प एरो नेक्स्ट मतलब इस बकेट का जो नेक्स्ट है, टेम्प एरो डेटा मतलब इस बकेट का जो डेटा है, तो इस बकेट का जो डेटा है उसको हमने प्रिंट करा। फिर हमने टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करा, मतलब इसके नेक्स्ट वाले को हम पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट का 20। तो अब टैम्प कहाँ चला गया, टैम्प के अंदर क्या स्टोर हो गया, अब टैम्प के अंदर ये स्टोर ना होकर 20x स्टोर हो गया। टैम्प इज इक्वल टू टैम्प का नेक्स्ट, टैम्प के नेक्स्ट में 20 है, वो कहाँ कॉपी हो गया, टैम्प के अंदर। तो अब टैम्प किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को, ठीक है। और ये काम हमें कब तक करना है, जब तक कि टैम्प नल नहीं हो जाता, क्योंकि इस केस में टैम्प नल हो जाएगा, क्योंकि टैम्प के नेक्स्ट में नल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिखता हूँ वाइल, ये सब वाइल लूप के अंदर करना है, वाइल टैम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टैम्प नल नहीं होता तब तक हमें ये सारा काम करना है, गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन ऑफ कोड से हम पूरी लिंक लिस्ट को आइटरेट करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। सो प्लीज रीवॉच दिस वीडियो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, और अच्छे से इसको समझो। सबसे पहले टैम्प हेड पे था, यहाँ पॉइंट कर रहा था, हमने चेक किया टैम्प नल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमने टैम्प के डेटा को प्रिंट करा, मतलब 15 को प्रिंट करेंगे सबसे पहले, राइट। देन हमने टैम्प को टैम्प का नेक्स्ट कर दिया, मतलब टैम्प के नेक्स्ट में क्या था, अभी टैम्प इसी को पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में 20x है, तो वो टैम्प के अंदर डाल दिया, मतलब अब टैम्प इसको पॉइंट कर रहा है, अगली नोड पे चला गया। तो इस तरीके से हम अगली नोड पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसके डेटा को प्रिंट करा 20 को, फिर टैम्प को टैम्प का नेक्स्ट करा, मतलब 30x हो गया टैम्प के अंदर अब, ठीक है। तो अब टैम्प किसको पॉइंट कर रहा है, अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा टैम्प, अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब अगेन लूप के अंदर आए, टैम्प नल नहीं है, तो टैम्प के डेटा को प्रिंट करा, मतलब 30 को प्रिंट करा, और टैम्प को टैम्प का नेक्स्ट करा, अब टैम्प के नेक्स्ट में नल है, क्योंकि इससे आगे कोई लोड नोड नहीं है, तो इसके नेक्स्ट में नल है, तो टैम्प के अंदर अब क्या चले जाएगा, अब टैम्प के अंदर नल चला जाएगा, राइट। अब जैसे ही टैम्प के अंदर नल गया, तो व्हाइल लूप की कंडीशन होगी फॉल्स, टैम्प इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज फॉल्स, और हम लूप के बाहर आ गए, हमने सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ताकि हेड की जो ओरिजिनल वैल्यू उसको चेंज ना हो, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप इसका एक फंक्शन बनाते हो और इसको बाय वैल्यू पास करते हो, तो अपने आप एक कॉपी बन जाती है, तो उस केस में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हेड से भी काम चला सकते हो, और एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना है तो वो भी बना सकते हो। तो आई होप ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट आपको समझ में आया होगा, कि हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं और आइटरेट कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड देखेंगे दोनों का। So that's all for this video guys. Thanks for watching.